हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। आज हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़ और आमा भी जा रहे हैं। आमा गाड़ी में चले गए हैं और पतिदेव और मैं जाने वाले हैं बगीरा में। और मौसम ना बहुत ही बेकार हो रहा है। कल तक ठीक ठाक था और आज जैसे हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं ना, आप लोगों को पता ही है जैसे मैं घूमने जाती हूँ वैसे मौसम टेढ़ा हो जाता है। तो आज सुबह से ही बारिश है, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, हल्की फुल्की है। तो पिथौरागढ़ तो जाना ही है, तो रेनकोट पहन के जाएंगे। तो तैयार भी हो गए हैं और रेनकोट मैंने भी पहन लिए क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे लग रहा है आज दिन भर बारिश होने वाली है। और पतिदेव भी हो गए हैं फिट फोर। कैसे जैसा चिता रहे हो आप, कल तक धूप थी और आज हम जा रहे हैं तो बारिश है। आपको नहीं लगता कि जैसे मैं घूमने जाती हूँ ऐसे ऐसा होता है करके? हमारे नहीं, तेरे साथ बोलो। आप जब जाते हो अच्छा ही होता है मौसम, है ना। और बारिश भी ऐसी वाली लगी है, मतलब धीमी धीमी वाली। और ऐसी बारिश ना रुकती नहीं है, अगर तेज़ होती है तो वो बारिश रुक जाती है। तो बारिश तो पता नहीं कब रुकेगी, क्या रुकेगी कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे अच्छा सीधे से जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी बज चुके हैं 10 और हम लोग पहुँचे हैं थल में। और अभी पतिदेव वगैरह में पेट्रोल भरा रहे हैं। मौसम ना ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया ही। मतलब आज तो मैं खुश हो गई कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और घर पे ख़राब था और अब ठीक है मौसम करके। लेकिन थोड़ा बहुत बादल लगे हैं ना, इसकी वजह से रेनकोट भी नहीं उतारे क्योंकि अभी उतारा उसके बाद बारिश होगी तो गड़बड़ जाएगी। इससे अच्छा रेनकोट भी अपने आप रहता है। तो पतिदेव ने पेट्रोल भी भरा लिया है, अब आराम आराम से चलते हैं पिथौरागढ़। और अगर मौसम ऐसा रहा ना तो बढ़िया ही हो जाएगा हमारे। सुबह तो बारिश चल रही थी, अभी ठीक ठाक है। ये देखो ठीक ठाक है, बस बादल लगे हैं। तो एक पेट्रोल पंप यहाँ पे है और एक पेट्रोल पंप थल के मार्केट में है। तो यहाँ पे ना भीड़ कम रहती है तो हम लोग हमेशा पेट्रोल यहीं से भराते हैं। आज तो बढ़िया ही हो गया ना, जैसे घर से आए मौसम ठीक। के बाद हो रहा है, मतलब फिर भी ठीक है ना। हाँ फिर भी ठीक है क्योंकि मैं आई ना तब हुआ ठीक। क्या मैं आई ना तब ठीक हुआ? आप आए तभी घर से बारिश लगी, नहीं तो बारिश भी नहीं आती। हाँ चलो फिर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बुआ के घर जाने वाले रास्ते में। विजय आया है लेने के लिए, विजय को शर्म आ रही है। और पतिदेव जा रहे हैं मार्केट, तो हम लोग उन्हें यहाँ से जाना है नीचे को। चलो फिर बाय बाय। तो हम लोग ना बुआ के घर दिन में ही पहुंच गए थे। तो घर पहुंचने के बाद ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और आमा और मैं और बुआ आए हैं अभी बुआ के ऊपर वाले घर पे, मतलब बुआ का नीचे। जैसे हम लोग नीचे रहते हैं तो बुआ ने आजकल नया ऊपर भी बना रखा है, 2 मंजिला मतलब। तो ये वाला भी हमने देखा नहीं था तो ये वाला भी देख लेंगे। और अगर दिखेगा थोड़ा बहुत तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। काम मतलब अच्छे से ख़त्म नहीं हो रखा है, अभी दरवाजे खिड़की लगाने बचे हैं। और आमा बुआ पता नहीं कहाँ खो गई। अरे अंदर अंदर ही है। अभी हम लोग आ गए हैं टॉप वाले छत में। रूम तो देख ले, वहाँ अंधेरा जैसा हो रहा था ना तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। कैसे जो है चिता रहे हो आज आमा आ रखे हैं? बहुत अच्छा चिता रहे हो। बहुत अच्छा। आमा आप कैसा चिता रहे हो अपनी लड़की का घर देख के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो आमा को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बुआ को भी अच्छा लग रहा है।
छत में घूमने के बाद हम लोग का काम था खाना बनाने का। खाना तो बुआ ने बनाया, खाली मतलब हम लोग प्याज व्याज काटने वाले थे और बुआ ने आज बना रखा है चिकन। और इस वाली कढ़ाई में पनीर है ना, और इस वाली कढ़ाई में बुआ ने रखा है पनीर और अभी बना रही है बुआ रोटी। तो ये दोनों तो खाने भी लग गए हैं और वहाँ पे जॉनी बैठ के खा रहा है। कैसा बनाया बुआ ने? बढ़िया। विजय की तो आवाज़ नहीं आ रही है, इतना अच्छा हो रहा है उसको, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। अच्छा तो खाना वाना भी हम लोगों ने खा लिया था और अब ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो अब कर लेते हैं रेस्ट। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।